हाय फ्रेंड्स, दिस इज अवैस खान और स्वागत है आपका मेरे चैनल अवैस फीलिंग में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है, जो कि वायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले चैप्टर पे थी, वो भी देखी होगी ज़रूर। तो चलिए फिर आज का जो अपना वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना अपना टाइम वेस्ट किए। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लाइक करना भूल जाते हैं, वो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये आप लोग से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इतना सा तो कर ही सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर खैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग समझने वाले हैं अपवर्ड थ्रस्ट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। अब देखिए, इससे दो तरीके का आपको डेराइवेशन आ सकता है। या तो आपको बोल सकता है पहला सवाल कि आप डिराइव कर दीजिए प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये भी आपको बोल सकता है। दूसरा आपको बोल सकता है कि अपवर्ड थ्रस्ट, यूटी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रो जी, यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ये दोनों डेराइवेशन आपको पूछ सकता है बच्चों। बारी बारी में हम लोग इसे भी समझ लेते हैं कि इसे कैसे डिराइव करना है और इसे कैसे डिराइव करना है, एंड इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। पहले हम इसे मिटा लेते हैं। और देखिए बच्चे, यहाँ पे पहले से ही मैंने एक डायग्राम बना लिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर रखा हुआ है, और इससे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से प्रेशर इज इक्वल टू जो है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी होगा। अब देखिए, आप डेप्थ h1 देखिए, डेप्थ h1 मतलब कि ये वाली जो हमारी हाइट है, क्योंकि इस सरफेस पे ये जो आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसके इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोगों ने p1 मान लिया है, और इसके डाउनवर्ड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हम लोगों ने p2 मान लिया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए डेप्थ h1 पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हाइट का, वो h1 हमने मान लिया है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का इस वाले सरफेस तक का, इसको हम लोगों ने h2 मान लिया है। और h2 और h1 का जो डिफरेंस है, यानी ये हाइट का माइनस दिस हाइट h2 माइनस h1, इसको हम लोग ने यहां से लेकर यहां तक h मान लिया है। ठीक है बच्चों, h मान लिया है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेप्थ h1 जो है यहां पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जो डाउनवर्ड प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है h1 रो जी, यानी एट डेप्थ बोल सकते हैं आप लोग H1, इतने डेप्थ पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है ये निकाल लेते हैं, यानी कि P1 निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा H1 into rho into G। ये पहला वाला क्लियर है यहाँ पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये हम लोग ने मान लिया, इसको आप लोग मान लीजिए 1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एट डेप्थ, राइटिंग थोड़ी गंदी है आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, एट डेप्थ H2 यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है इसको हम लोग P2 मान लेते हैं। P2 हो जाएगा आपका H2 रो जी, और इसे हम लोग मान लेते हैं 2। ठीक है, अब इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि H2 इज ग्रेटर देन H1, हम लोग जानते हैं कि यहां पर यहां ये जो हाइट है आपका वो इस हाइट से ज्यादा है। अब जब ये हाइट इस हाइट से ज्यादा है तो यहां पर इस एरिया पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो सरफेस से बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एज H2 इज ग्रेटर देन H1, P2 इज ग्रेटर देन P1। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, बिकॉज आप लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। हम लोग जानते हैं कि डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर इंक्रीज करता है बच्चों, तो हम लोग फिर से यहां पे लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन हो जाएगा, और पी टू का वैल्यू हम लोगों ने यहां से क्या निकाला है एच टू रो जी, यहां पे लिख लेते हैं ताकि स्पेस बच जाए हमारा, एच टू रो जी माइनस एच वन रो जी। ठीक है,
अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस बच जाएगा, ये देखिए एस्ट्रोलॉजी। अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, रोजी, रोजी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा H2 - H1, और हम लोग जानते हैं कि ये जो H2 - H1 है इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया था, H2 - H1 = H, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं रो जी एच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला वाला जो है हमारा डिराइव हो चुका है बच्चों, एंड यू विल गेट 2 or 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया बच्चों, लेकिन हम लोग एक चीज और जानते हैं, अगर आपको फर्दर और डिराइवेशन करने के लिए बोला जाए कि आप डिराइव कर दीजिए, अब थ्रस्ट इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपको यहीं पे बोल दिया जाए कि आप डिराइव कर दीजिए कि अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रो जी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, यहाँ तक तो रो जी एच है, ठीक है, या फिर एच रो जी आप इसे कह सकते हैं, एच रो जी उलट कर। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रो जी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी बोल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसी में आप एक चीज और ऐड कर देंगे बच्चों, कि आप लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और प्रेशर यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रेशर का वैल्यू हमने क्या निकाला है, रो जी एच निकाला है। तो आप लोग अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अब थ्रस्ट जो होता है वो आपका हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, अब थ्रस्ट का वैल्यू होता है, अब थ्रस्ट बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर अभी हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी एच रो जी, और इसमें इनटू आप जैसे ही करेंगे एरिया, तो ये आ जाएगा हमारा वी रो जी, ठीक है, वी रो जी नहीं आ जाएगा, वी रो जी अब आप बोलेंगे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ हाइट इनटू एरिया वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हाइट इनटू एरिया, ठीक है, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि समझ में आया होगा आप लोगों के बहुत अच्छे से। तो चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट के बारे में, कुछ फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर जो है अपथ्रस्ट डिपेंड करता है, या फिर ये चारों फैक्टर जो है वो कह सकते हैं आप कि अपथ्रस्ट को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि जो फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगता है उस बॉडी पर जो कि लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। सो दीज फोर फैक्टर्स कैन इफेक्ट द अपथ्रस्ट। सबसे पहला फैक्टर है आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ये जो बॉडी इसके अंदर सबमर्ज है फ्लूइड के अंदर, इसका जो वॉल्यूम होगा ये इफेक्ट करेगा अपथ्रस्ट को, यानी इस फोर्स को जो ऊपर की तरफ इस बॉडी के ऊपर लग रहा है। और ये चीज भी याद रखिएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अपथ्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपथ्रस्ट। मान लेते हैं कि इस बॉडी का वॉल्यूम जो है वो हम बढ़ा दें, इतना बड़ा कर दें, वॉल्यूम जब भी आप बढ़ाएंगे तो अपथ्रस्ट भी आपका बढ़ेगा, अपथ्रस्ट आपका बढ़ेगा जब भी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एक बड़ा प्लास्टिक बॉल पानी में डाल के पुश करेंगे एक छोटे प्लास्टिक बॉल के कंपैरिजन में, तो आपको बड़े प्लास्टिक बॉल को पुश करने में ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि जो नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा है वो उस बड़े प्लास्टिक बॉल के बड़े वॉल्यूम की वजह से ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम डिनोट कर रहे हैं इसे। दूसरी बात यह है, दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है आपका, इफेक्ट करता है अपथ्रस्ट को, वो है आपका बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब जिस फ्लूइड के अंदर आपने बॉडी को डुबा रखा है, इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड, इसके आगे आप ऐड कर सकते हैं, हम लिख नहीं रहे ज्यादा की टाइम वेस्ट होगा, जिस फ्लूइड के अंदर आपने इस बॉडी को डुबा रखा है उसका डेंसिटी मैटर करता है बच्चों। किसका डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी नहीं बल्कि इस लिक्विड का डेंसिटी जिसके अंदर आपने इस चीज को डुबा रखा है। और ये चीज याद रखिएगा बच्चों कि इस लिक्विड का डेंसिटी, ये जो लिक्विड है जिसके अंदर आपने डुबा रखा है इस ऑब्जेक्ट को, ये डेंसिटी आपका जितना ज्यादा होगा नीचे से फोर्स उतना ही
ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए आप इसे भी लिख सकते हैं कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका डेंसिटी, ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, आपका अपथ्रस्ट जो है यानी ऊपर लगने वाला जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा सर। अब देखिए तीसरी बात क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी आपका अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख देता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अब देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे कि हम लोग अर्थ पे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं अपथ्रस्ट, अर्थ पे ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करते हैं एज कंपेयर्ड टू मून। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज मोर देन दैट ऑफ द मून विच इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका सिक्स टाइम्स ज्यादा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ मून। तो चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका अर्थ पे बहुत ज्यादा है, 6 गुना है, 6 times ज्यादा है मून से वैल्यू ऑफ जी, इस वजह से हम कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट जो है वो आप अर्थ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे एज कंपेयर टू मून। तो ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। एक और सवाल मैं आपको इस वाले पॉइंट से रिलेट करके बता देता हूं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से एक सवाल यहां से बनेगा आपको कि मान लेते हैं कि दो प्लास्टिक बॉल है जो कि सेम साइज का है, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ये वाला आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, दूसरा वाला आपका सिर्फ वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों में सेम साइज का प्लास्टिक बॉल है और आप ऊपर से इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं पानी के अंदर, दोनों ही सेम साइज का, वॉल्यूम सेम है दोनों प्लास्टिक बॉल का। सवाल ये बनता है बच्चों कि ये जो आपका प्लास्टिक बॉल है जब आप इसको पुश करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन वाला, तो इसमें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अपथ्रस्ट, आपको नीचे ऊपर जो लग रहा है फोर्स ड्यू टू द लिक्विड, ये आपको ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस होगा। ऐसा क्यों है बच्चों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि डेंसिटी जो होता है सॉल्ट सॉल्यूशन का, इसका जो आपका डेंसिटी है वो आपके D1 मान लेते हैं इसके डेंसिटी को, वो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। सॉल्ट सॉल्यूशन का डेंसिटी आपका वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से अपथ्रस्ट जो ये बॉल एक्सपीरियंस करेगा वो इसके बनिस्बत ज्यादा होगा। यू कैन नोट इट डाउन, द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, देयरफॉर मोर अपथ्रस्ट, जस्ट नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी फैक्टर, चौथा और आखिरी फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि अपथ्रस्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड जिसके ऊपर आपका अपथ्रस्ट डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं ये जो फ्लूइड है, ये जो जिसके अंदर आपने इस ऑब्जेक्ट को डुबा रखा है, अगर मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इस फ्लूइड का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर डेंसिटी इस फ्लूइड का डिक्रीज कर गया तो फिर जो अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो अपथ्रस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, और अगर इस फ्लूइड का डेंसिटी कम हो गया तो इसका मतलब जो अपथ्रस्ट है, जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग समझते हैं अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, इसे फटाफट से रब कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। अब देखिए ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में डूबा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, गंदा डायग्राम है लेकिन समझने के लिए इनफ है, ठीक है। ये देखिए ये पानी है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट जो है ये डूबा हुआ है, चार ये डूबा हुआ है, ठीक है। अब इसके तरफ इस ऑब्जेक्ट में एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू दिस
फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं बॉइंट फोर्स या फिर अपथर्स। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है जैसे कि यहाँ पर, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स यानी कि बॉइंट फोर्स, बीएफ से डिनोट कर देते हैं, बॉइंट फोर्स जो है इसमें एक्ट कर रहा है, जिसको अपथर्स भी कह सकते हैं आप। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड होगा बॉइंट फोर्स का, यानी कि यह बॉइंट फोर्स कितना बड़ा है, ये जो मैग्नीट्यूड होगा इस बॉइंट फोर्स का बच्चों, ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब बॉडी जो है या तो पार्शियली या फिर होली इमर्ज है लिक्विड में, या तो इस तरह से होली या तो पूरा इमर्ज है, ये पार्शियली इमर्ज भी हो सकता था, इस तरह से आधा इमर्ज हो सकता था, आधा अंदर आधा बाहर भी हो सकता था, ठीक है मिटा लेते हैं इसे, तो या तो पार्शियली या होली इमर्ज अगर रहेगा तो वह एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि एक बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पानी के अंदर, यानी कि उसके वेट में अपेरेंट लॉस होगा, इसका जो ओरिजिनल वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसका ओरिजिनल वेट 20 kg हो, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद इसका वेट हो जाए 4.5 kg, ठीक है ऐसा भी हो सकता है, वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है किसके अंदर वो डूबा हुआ है और भी अलग अलग फैक्टर्स पे। तो ये 20 kg का जो ब्लॉक है ये 4.5 kg का भी हो सकता है पानी के अंदर, यानी कि अंदर जाके इसका अपेरेंट वेट लॉस कितना हो गया 15.5 kg, इतना इसका वजन घट गया, दैट इज अपेरेंट वेट लॉस। अपेरेंट मतलब वो टेम्पररी है, परमानेंट वेट लॉस नहीं हो जाता, निकालेंगे तो फिर उतना ही वेट हो जाएगा। अब देखिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका कहता है, और ये जो आपका अपथ्रस्ट होगा इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा लेते हैं, ठीक है इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, इतना 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 पार्ट लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो इतने पार्ट लिक्विड का जो वेट होगा, इतने पार्ट लिक्विड का जो वेट होगा, दिस वेट विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। इतना जो लिक्विड ये डिस्प्लेस किया है इसका जो वजन होगा, इसका जो वेट होगा, दैट वेट विल बी इक्वल टू द फोर्स, अपवर्ड फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी और अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है बच्चों, आप कह सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है बच्चों अब ये कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों, मिटा लेते हैं इसे फटाफट से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कि आज की वीडियो में हम लोगों ने अपथ्रस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात किया है, अपथ्रस्ट क्या होता है उसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में बात किया है जो इफेक्ट करते हैं अपथ्रस्ट को, और थोड़ा बहुत आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी बात किया है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी ऑल नीड टू डिस्कस, ठीक है बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें बच्चों। फिर से याद दिला देता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल का रीच हो, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेटेड मैं फील करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँ और रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।